बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गाजियाबाद दौरा है। आज बीजेपी महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे शाह। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली से सड़क मार्ग से गाजियाबाद पहुंचेंगे अमित शाह। यूपी गेट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया जाएगा। यूपी गेट से कार्यक्रम स्थल तक स्वागत समारोह का सिलसिला जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत। अमित शाह आज गाजियाबाद के दौरे पर, जहां थोड़ी देर में वो गाजियाबाद पहुंचेंगे, उनकी स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2, 5, 10, 20, 25 है और उसको लेकर यहां पर तैयारियां की गई है। अलग अलग जगह वर्णन भी किया गया है। सशक्त योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान। वही खबर पर जाए जानकारी के लिए संतोष पाठक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस समय जो है अंदर जो बीजेपी यूपी के संगठन महामंत्री है सुनील बंसल, वो है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय महासचिव है भूपेंद्र यादव, वो पहुंचे हैं। सुनील पांडे जी का संबोधन होना है। आज जो 3 दिवसीय कार्यक्रम महिला मोर्चा का है, उसका समापन का दिन है और जो महत्वपूर्ण भाषण आज होने हैं, इसमें सुनील बंसल, सुनील पांडे और समापन भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का होना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर बदीउ जमा भी मौजूद है। इनसे हम ये जानेंगे कि यूपी के अंदर प्रवेश करने के बाद कहां कहां स्वागत की तैयारियां की गई। बदी, कहां कहां स्वागत की तैयारियां की गई है अमित शाह को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है और बीजेपी इसको पूरी तरीके से कैश करने की कोशिश करेगी। अमित शाह जैसी शख्सियत जब गाजियाबाद में आ रही है, तो बीजेपी का पूरा जो कंसल्टेशन ये है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक किया जाए, और इसी वजह से पहले यूपी गेट पे उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो अंदर आएंगे, वसुंधरा के ठीक सामने जो साहिबाद मंडी है वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और फिर मोहन नगर तिराहे पे, और फाइनली उनका जो स्वागत होना है वो नंदग्राम कट पर होगा, जिसके बाद फिर वो आरके जीआईटी आएंगे और यहां पर जो महिलाएं हैं उनको संबोधन करेंगे। तो 4 जगहों पर स्वागत की तैयारियां उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद की जो जिला इकाई है उसने की है, और उसके बाद 4 जगह स्वागत समारोह के बाद वो यहां आएंगे। और एक बड़ी बात कि इन 4 जगहों को मंडलों में बांटा गया है, मतलब अलग अलग मंडल को अलग अलग जगह पर कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये गाजियाबाद के लिए बहुत बड़ा दिन है, एक तरह से गाजियाबाद इकाई के लिए इम्तिहान का दिन है कि वो कितनी भीड़, कितने कार्यकर्ताओं को जुटा पाती है। और निश्चित तौर पर जब यहां आएंगे, मेरे पीछे जो हॉल है, यहां जो महिला मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, 3 चीजें बिल्कुल अमित शाह जरूर निश्चित तौर पर कहेंगे कि पहला, बूथ स्तर तक महिला कार्यकर्ताओं को किस तरह से मजबूत किया जाए। दूसरा, जो तमाम महिला कार्यकर्ताएं हैं, जो तमाम महिला नेता है बीजेपी की, वो केंद्र सरकार की योजनाओं का किस तरह से बूथ स्तर तक जाकर प्रचार प्रसार करें, महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करें, क्योंकि देश की आधी आबादी को लुभाए बिना कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता। और सामने 2019 का ऐसा चुनाव है जब तमाम विपक्षी दल गोलबंदी कर रहे हो, ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं को, महिला मतदाताओं को लुभाने की मुहिम पर लगाना, ये बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है। और इस एजेंडे को देखते हुए आज अमित शाह तमाम महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से उन्हें चुनावी अभियान में जुट जाना है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी।